गाड़ी रहने वाली है ग्रैंड विटारा का सिग्मा मॉडल और आप देख सकते हैं RJ60 राजस्थान जयपुर से हमारे पास गाड़ी आई हुई है। जिस तरीके से गाड़ी आई थी भाई, आज फ्राइडे था तो वॉश वूश करने वाला प्रोसेस हमारे पास आज बचा नहीं। सो पूरी गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू, एकदम कोई इसके ऊपर काम नहीं हुआ। पूरी गाड़ी का जो आज हम काम कर रहे हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से कर रहे हैं। पूरी गाड़ी एकदम असेंबल हो रखी है। डोर्स आप देख सकते हैं बिल्कुल खुले हुए हैं इसके, और कोई इसमें दरवाज़ा लगा नहीं हुआ। यहाँ पर सीट कवर्स प्रॉपर पूरे निकले हुए हैं, सीट इसके ऊपर फिटिंग होना स्टार्ट हो गई है। सामने का पैटर्न पूरा देख सकते हैं आप, सामने का जो ये पार्ट है पूरा खुला हुआ है, पूरा सामने डैशबोर्ड, पूरा स्टीयरिंग, मीटर का पैनल इसके ऊपर ग्लॉस ब्लैक हुआ, अदरवाइज इसके अलावा कोई इस गाड़ी में काम नहीं हुआ। सेम इस गाड़ी का भी आपको मैं बताता हूँ, सेम ये वाली गाड़ी जो है ये एक ही तरफ से गाड़ी आई हुई है, और ये भी सेम नेक्सा ब्लू ग्रैंड विटारा का सिग्मा मॉडल है। ये भी आप देख सकते हैं टेम्परेरी नंबर है, अभी टेम्परेरी नंबर पे ही गाड़ी हमारे पास आ गई, और प्लान किया था सेम कार लिबास से काम कराना है और गाड़ी हमारे पास आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे इसके भी फ्लैप लगे हैं, फ्लैप के अलावा अंदर सीट लगी हुई है पूरी गाड़ी की। इसकी भी वीडियो एक बार ही बनाएंगे किस तरीके से गाड़ी का काम होता है और कैसे ये जिस तरीके से ये वाली गाड़ी है उसी तरीके से प्रॉपर पूरी पैक हो गई है वो। तो यहाँ पर इसका स्टीयरिंग का काम हो गया, स्टीयरिंग के अंदर ये वाला जो पैनल है इसको भी मैट फिनिश से हम आज ग्लॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये तो भाई आज की गाड़ी रहने वाली है सेम ग्रैंड विटारा का, आप ये देख सकते हैं नेक्सा ब्लू। एक गाड़ी वो डिलीवर के लिए बिल्कुल रेडी है, वो सामने से गाड़ी जिसकी टेम्परेरी नंबर लगी है। ये वाली जो गाड़ी हमारे पास RJ60 ये हमारे पास आई है जयपुर से, और दोनों गाड़ी के अंदर लग्जरी इंटीरियर का हमारा पूरा काम हुआ। जो वो टेम्परेरी नंबर वाली गाड़ी है उसके अंदर हमने आइस रे का कॉम्बिनेशन किया पूरी गाड़ी के अंदर, आइस रे ब्लैक का। इसके अंदर हमने जो काम किया वो टैन कलर का काम किया। एक बार आपको ओवरलुक दिखाता हूँ मैं किस तरीके से हमारे पास गाड़ी आई। सारे पार्ट्स मैंने आपको खुले हुए दिखाए किस तरीके से पार्ट्स पूरे खुले हुए थे, कैसे प्रॉपर इसको हमने पूरा पैक किया। सेम एक चीज़ का बेनिफिट है मेरे पास, यहाँ पर शेड के नीचे प्रॉपर पूरी गाड़ी खड़ी होती है, कोई रोड साइड वाला सिस्टम नहीं है, कहीं से धूल मिट्टी वाले कोई प्रोसेस नहीं है, कोई गाड़ी आपकी गंदी नहीं होने वाली। भाई जिस तरीके से आती है उसी तरीके से वापस भेज देते हैं। तो इस गाड़ी के अंदर जो हमने काम किया वो पूरा इंटीरियर के जैसे उस वाली गाड़ी का काम था, सेम इस तरीके का नया कंसेप्ट इस गाड़ी के ऊपर भी हमने किया। फ्रंट लुक के अंदर हमने कोई मेजर काम नहीं किया, साइड प्रोफाइल के अंदर हमने कोई मेजर काम नहीं किया इस गाड़ी के अंदर। पीछे लेके जाओ भाई, बस इधर ले। फ्रंट के अंदर जो डीआरएल है वो कंप्लीट फिटेड आती है, नीचे जो येलो लाइट्स है वो एज इट इज वैसे की वैसी है। मेरे का कोई मेजर पर्पस नहीं था, जो इनका काम था वो इंटीरियर को रिलेटेड था। पूरा इंटीरियर हमने इस गाड़ी का रेडी करा, और जो इसके अंदर हमने जो पार्ट्स हमने ऑलमोस्ट उस गाड़ी में डाले थे पहले वाली में, जो टेम्परेरी नंबर पे हमारे पास आई थी, सेम इस गाड़ी में भी हमने वही काम किया हुआ है। फ्रंट लुक बिल्कुल जैसे आई थी वैसी भाई, इसमें थोड़ा सा इसको अवॉइड करना है, थोड़ी सी गंदी है क्योंकि इसके ऊपर जो है वो मच्छर बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, साफ करने में हेयर लाइन स्क्रैचेस बहुत आ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको मंगा नहीं दिया ताकि नई गाड़ी है तो कोई हेयर लाइन स्क्रैचेस ना आ जाए। फ्रंट प्रोफाइल में कोई काम नहीं किया, साइड प्रोफाइल के अंदर कोई काम नहीं किया। इधर जो हमने काम किया वो हमने सिर्फ ये टायर के पीछे फ्लैप लगाए। फ्रंट में दो मड फ्लैप लगते हैं, बैक साइड में दो मड फ्लैप लगते हैं। बैक की फिनिश अगर आप देखोगे तो बैक के अंदर सेम जो पहले गाड़ी थी सेम वही प्रोसेस इसके ऊपर भी हमने रेडी किया हुआ है। यहाँ पर इसके ऊपर हमने यहाँ पर साइड में क्या बोलते हैं इसको, रियर बूट लैंप लगाया, पार्सल ट्रे लगाई, सेम जो बूट लैंप लगाया ये भी प्लग इन तरीके से लगाया। इसके पीछे वही कवर लगा होता है प्लास्टिक का, उसको हम निकाल देते हैं और उसके अंदर क्लिप लगा होता है, स्लाइड के अंदर क्लिप लगाते हैं और पूरा पैक कर देते हैं। ये यहाँ पर कुछ इसके पार्ट्स हैं, नंबर गियर नॉब निकली हुई है, गियर नॉब हमने चेंज करी। इस पार्ट से आपको पता चलेगा जो ये पीछे की जो गार्निश है वो यहाँ पर जो है ये ब्लैक आती है, यहाँ पर ये पूरी की पूरी ब्लैक आती है। जो इसके अंदर हमने लगाई वो आपको मैं दिखाता हूँ भाई, क्या चीज़ हमने इसके ऊपर ब्रांड न्यू लगाई। ये वाला जो नॉब आता है ये पूरा ब्लैक आता है, इसके अंदर यहाँ पर भी कुछ लगा हुआ आता है वो भी आपको दिखाता हूँ क्या हमने इसके ऊपर लगाया। ये वाला जो एसी वेंट है ये ऐसा आता है, यहाँ पर कुछ नहीं आता इसके अंदर, उस वाली में क्या है वो भी आपको मैं बहुत जल्दी दिखाता हूँ। काम हुआ सेम कार्लेबास में, कार्लेबास का जो मेरा एड्रेस है ये दिल्ली करमपुरा का है, नीचे लिखे मोबाइल नंबर मेरे 9811632352 9811632352। थैंक यू है सर का, दोनों सर का, जिन्होंने मेरे पे विश्वास दिखाया इतने सारे वीडियोज में, इतने सारे कॉल्स उन्होंने दिए और मुझे आके चुना के भाई जो आपने काम करना है वो बहुत बेस्ट तरीके से करना है। मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी है। मेरे पास जो मेन गाड़ियाँ आती हैं वो इंटीरियर और ऑडियो सेटअप के लिए भी गाड़ियाँ हमारे पास आती हैं, इंटीरियर तो आती आती है खैर, एक्सटीरियर पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता क्योंकि जितने पार्ट्स हैं उससे पता चल रही कि गाड़ी भाई ये विटारा तो विटारा की विटारा वैसे ही रहेगी। वो मेन जो काम होता है वो गाड़ी का दरवाज़ा खुलने के बाद होता है, जो दरवाज़ा खुले
तो एक वॉ फैक्टर आना चाहिए। सो इस गाड़ी में हमारी वो वॉ फैक्टर आ रहा है। पूरी गाड़ी की डोर की फील एकदम सुपर क्लास, एकदम प्रीमियम, एकदम बेस्ट। पूरी गाड़ी के अंदर ये जो पार्ट आता है भाई, ये ब्राउन आता है, ये वाले के ऊपर ब्लैक आता है, ये वाला जो फिनिश होता है ये मैट फिनिश के अंदर होता है। इसको आज हमने कन्वर्ट कर दिया सेम डुअल टोन के अंदर। इस पार्ट को अगर आप देखेंगे तो ब्लैक है, इस वाले पार्ट को अगर आप देखेंगे तो टैन है, इसको ब्लैक है, इसको टैन है, इसको ब्लैक है। तो ये सीक्वेंस हमने चलाया ब्लैक टैन ब्लैक टैन ब्लैक। पूरी गाड़ी की फिट फिनिश, थ्रेड वर्क, कहीं से कोई लेफ्ट राइट वाला कोई डोर खुलने वाला सिस्टम नहीं है, कहीं से कोई कपड़ा बाहर नहीं आ रहा, कोई थ्रेड कोई मेरा बाहर नहीं आ रहा। इस वाले पार्ट को हमने आज किया पियानो ब्लैक के अंदर कन्वर्ट। इसको हम ग्रैब हैंडल बोलते हैं, इस ग्रैब हैंडल को भी हमने आज पियानो ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया। डोर के अंदर एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये वाला होता है, इसको हम ग्रैब हैंडल बोलते हैं, इसको हम पावर विंडो की प्लेट बोलते हैं। सो इसको और इसको करने के लिए 4500 रुपये लिए जाते हैं, चारों दरवाजों के अंदर होते हैं ये। डोर का काम ये वाला काम, ये सॉफ्ट कुशन है, इसके अंदर ये नॉर्मल कपड़ा पेस्ट किया जाता है, ये ड्राई लेदर में हमने कपड़ा यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर इसकी फिट फिनिश अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लेदर का फील है। अगर मैं गाड़ी का दरवाज़ा दिखाऊंगा ये भी आप देखेंगे तो ये लेदर का फील है प्रॉपर एक। सो जो फील इस गाड़ी के अंदर इस कपड़े से आ रहा है आपको, सेम वही चीज़ हमने यहाँ पर भी यूज़ की हुई है। इसमें भी अगर आप थोड़ा सा लाइट देखेंगे तो यहाँ पर ये लाइट पड़ रही है। थ्रेड वर्क की कहानी, वो मेरे सुपर बेस्ट है। मेरे काम के अंदर कोई भी आपको थ्रेड वर्क, कोई लेफ्ट राइट वाला पार्ट दिखेगा नहीं, कहीं से आपको क्विल्ट का कोई डिज़ाइन लेफ्ट राइट नहीं दिखेगा, क्योंकि हम पहले इसके ऊपर मार्किंग करते हैं, उसके बाद हमारा जो प्रोफेशनल तरीके से प्रोसेस है उसको हम पूरा फुलफिल करते हैं। भाई पूरी गाड़ी का जो काम है ना वो पूरा दिमाग से बनाना पड़ता है, पूरे दिमाग से किया जाता है। सो इस गाड़ी के ऊपर बहुत दिमाग लगता है, और किस तरीके से पैनल खुलते हैं, किस तरीके से बंद होते हैं, ये किस तरीके से ऊपर इसके ऊपर कपड़ा पेश करना पड़ता है। सो रेट से कंपैरिजन आपको थोड़ा सा, अगर आप ऑफर मार्केट से करोगे, दूसरी मार्केट से करोगे तो आपको रेट लेस मिलेंगे, बट इस तरीके का काम नहीं मिल सकता। मेरी गाड़ी के अंदर कोई दरवाज़ा खुला हुआ नहीं होता, कहीं से ये पार्ट खुला हुआ नहीं होता, ये वाले पार्ट लोगों के बाहर आ रहे होते हैं, ये मेरे पार्ट कोई बाहर नहीं निकलेंगे, यहाँ से भी कपड़ा लोगों का बाहर आ रहा होता है। सो अपनी गाड़ी में ऐसा कोई पैटर्न, ऐसा कोई स्टाइल नहीं है जिससे मेरी कोई गाड़ी के अंदर कंप्लेंट फैक्टर आपको दिखे। सामने वाले पार्ट के ऊपर भी हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्रेड वर्क बिल्कुल 00 लेफ्ट राइट वाला कोई पार्ट नहीं, ऊपर नीचे कुछ नहीं। ड्राई लेदर का काम किया सेम डुअल टोन के अंदर, इसको टैन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन कर दिया। इस वाले पार्ट को हमने पैनल ब्लैक किया, मीटर का पैनल सेम हमने पैनल ब्लैक किया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टीयरिंग का पैनल, इसको भी हमने पैनल ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया। स्टीयरिंग की खासियत, थ्रेड वर्क में कहीं आपको कोई लेफ्ट राइट नहीं दिखेगा, कहीं से भी आपको मेरा स्टीयरिंग कवर में कोई धागा इधर उधर नहीं दिखेगा। इसकी फील और भाई प्लास्टिक की फील एकदम बेस्ट है, एकदम 00 है। सो इस गाड़ी का जो लुक्स है ना भाई, वो 100% बेस्ट आने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस गाड़ी को आपको पूरा देखना है, और पूरी तरीके से प्रॉपर पूरा देखना है किस तरीके से हमारा इस गाड़ी का काम हुआ, सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ मैं। ये वाले पार्ट को हमने आज कन्वर्ट कर दिया दूसरी पार्ट्स को लगा के, जो मैं आपको बोल रहा था ये ग्लॉस ब्लैक है, ये वाला सिल्वर फिनिश है, नॉर्मल में मैट आता है ये। नीचे वाले पार्ट को हमने कार्बन किया, ऊपर गियर नॉब हमने इसकी चेंज कर दी, सामने डैशबोर्ड का प्रॉपर पूरा काम किया, डोर का प्रॉपर पूरा काम किया। इस वाले पार्ट को भी हमने ग्लॉस ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया। पूरी गाड़ी का फील एकदम प्रीमियम, एकदम सुपर क्लास। नीचे जो हमने मैट डाले वो GFX प्रीमियम डाले, 00 साइज का ये मैट प्रॉपर पूरा बनता है, लॉन्ग लाइफ मैट इसे बोलते हैं। इसको गीले कपड़े से धो, पानी में डाल दो, कोई इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इस वाले पार्ट के ऊपर हमने ग्राम मीटर की बेजिंग वाली ये फुटस्टेप लगाई, अगर आप इसके ऊपर पैर रखते हैं तो यहाँ पर स्क्रैच पड़ते हैं, अगर यहाँ पर पैर रखूंगा तो इस पर स्क्रैच नहीं पड़ेंगे। सीट कवर का भाई फिट फिनिश सुपर क्लास 100% बेस्ट, और मेरे किसी सीट कवर्स के अंदर मैंने आपको हमेशा बताया कि मेरे किसी भी सीट कवर के अंदर आपको कहीं कोई रिंकल नहीं दिखेगा, रिंकल फ्री मेरे सीट कवर्स होते हैं, प्रॉपर बनाया ताज़ा, उसको पूरा पिरो के एकदम सेट कर दिया पूरी गाड़ी के अंदर। स्टीयरिंग का काम डुअल टोन, नीचे ये वाले पार्ट पे पूरा डुअल टोन, ये टैन का काम, इस वाले पार्ट को भी टैन में कन्वर्ट कर दिया, डैशबोर्ड के पार्ट को टैन में कन्वर्ट कर दिया, ये वाले पार्ट को हमने टैन और ब्लैक का कन्वर्ट कर दिया। थ्रेड वर्क सुपर क्लास, सामने क्विल्ट का काम एकदम बेस्ट, सामने के जो बैटर्न है एकदम बेस्ट। पिछली गाड़ी में मैंने आपको दिखाया था कि जो ये वाला थ्रेड है बिल्कुल 00 मार्क अप टू मार्क का। ये वाले पार्ट के ऊपर आपको सॉफ्ट कुशन मिलेगा, थाई सपोर्ट पैडिंग बहुत स्मार्ट है इसके अंदर। जो बैक का कम्फर्ट है ना भाई, वो है इसकी राजा फील। ये यहाँ पर हमने पूरी एकदम कुशन वाली सीट्स डाली हुई है, थोड़ा सा इमेज में ये रस्ट कलर दिख रहा है थोड़ा सा, अदरवाइज ये टैन कलर है, ऑरेंज कलर की सीट कवर्स हमने इसके ऊपर लगाए हैं, ऑरेंज के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन है।
सो भाई जो ब्लैक के साथ ऑरेंज के साथ जो पोर्शे स्टाइल इसका फील है वो ब्लू के साथ तो बहुत सुपर क्लास आ रहा है। मुझे तो यहाँ बहुत सुपर क्लास लग रहा है पूरी गाड़ी। जब आप देखेंगे प्रैक्टिकली आपको तब पता चलेगा कि किस तरीके से गाड़ी है ये। डोर के अंदर सेम लेदराइट फील, सीट कवर का जो बैक का पार्ट है बिल्कुल 100% बेस्ट, नीचे की बैडिंग, बैक का सीट का डिजाइन, हेडरेस्ट की फिटिंग, इवन आर्मरेस्ट की फिटिंग वो भी एकदम सुपर क्लास, एकदम 00। रूम लैंप जो हमने इसे किए वो व्हाइट कर दिए। यहाँ वाले पार्ट को मैंने आपको दिखाया था कि वो नॉर्मल में ये ब्लैक होता है, ये वाला ब्लैक होता है, तो इसके अंदर ये थोड़ी सी सिमेट्री, थोड़ी सी स्मार्ट लगती है। ये रियर एसी वेंट की ग्रिल इसको बोलते हैं। रियर एसी वेंट के अंदर ये वाला जो पार्ट है ये सिल्वर है, ये वाले पार्ट को भी सिल्वर कन्वर्ट कर दिया। सिर्फ 485 का पार्ट है भाई, हर गाड़ी में अपनी चेंज करवाओ। ये आर्मरेस्ट को डुअल टोन किया गया, स्टीयरिंग पूरा बेस्ट किया गया, पीछे से फिट फिनिश एकदम सुपर क्लास, यहाँ पर थ्रेड वर्क, पूरी चेन का डिजाइन, हर एक चीज एकदम बेस्ट। क्विल्ट का डिजाइन 100% बेस्ट, कहीं से कोई लेफ्ट राइट वाला कोई पार्ट नहीं है। सॉफ्ट कुशन, सॉफ्ट पैडिंग इसमें की गई। ये कर्व आप देख सकते हैं पूरी सीट का एकदम बेस्ट तरीके से किया गया। ये वाला जो बैड है भाई, ये बैठने में जो बंदा बैठेगा उसके लिए तो उसको बहुत सुपर क्लास मजा आने वाला है। नीचे के मैट्स की फिटिंग वो भी बिल्कुल 00 काम हुआ, एकदम सेम कार लिबास, बेस्ट तरीके से काम हमारी हर गाड़ी के अंदर। मैंने आपको हमेशा दिखाया कि जो हमारा काम होता है वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से किया जाता है। पूरे दरवाजे खुलते हैं प्रॉपर, इसको बाहर निकालना पड़ता है, इन वाले पार्ट्स को प्रॉपर पूरा बाहर निकालना पड़ता है। ये वाले जो पार्ट्स होते हैं भाई ये सील्ड होते हैं। डैशबोर्ड के ऊपर भी बहुत लोगों का मैंने देखा है कि जो ये वाले पार्ट है लोगों के बाहर आ जाते हैं, ये वाले पार्ट्स भी निकल के पूरे बाहर आ रहे होते हैं। इसकी जो फिट फिनिश है वो तो भाई मुझे पता ही नहीं कि किस तरीके का होता है। स्टीयरिंग भी इस तरीके का बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, जो मेरा स्टीयरिंग का बैठा है ये 100% बेस्ट और सॉफ्ट फील है इसका। सामने के पार्ट्स हमने चेंज कर दिए, नीचे का जो कार्बन पैनल है वो भी हमने इसका चेंज कर दिया, कार्बन फिनिश हाइड्रोडिप में कन्वर्ट कर दिया, गियर नॉब चेंज कर दी। आर्मरेस्ट की फिट फिनिश, ऊपर ब्लैक साइड में टैन, थ्रेड वर्क एकदम सुपर क्लास और गाड़ी हो गई सेम अपनी बेस्ट। चारों दरवाजे की फिट फिनिश, कहीं से आपको कोई दिखे तो कमेंट्स में जरूर बताना कि कहां से ये लूज है भाई, कहीं से ये अगर आपको दिख रहा है तो आप भी देख के बताओ मुझे। हर जगह से लेफ्ट राइट वाले पार्ट से हर जगह से दिखाएंगे इसको। उधर ये डोर में चलते हैं, उधर भी आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से ये थ्रेड वर्क है प्रॉपर पूरा, किस तरीके से पैक किया गया इसको। भाई पूरी मेहनत लगती है, मेहनत के बाद ये रिजल्ट निकलता है और जिसको पूरा हमें फुलफिल करके देना पड़ता है। बहुत लोग वीडियोस देखते हैं और सर्च करते हैं कि मुझे काम कहाँ से कराना है, उसके बाद कहीं 10 में से एक बंदे को प्रेफरेंस मिलती है कि भाई आपने काम कराना है तो यहाँ से कराना है। अपना काम करने का तरीका सुपर बेस्ट है, 100% बेस्ट है। जो मैं गाड़ी में काम करके दूंगा, मेरे एक एक्सपीरियंस भी है, मेरी जो खुद की नौकरी है वो पिछले 24-25 साल की मारुति हुंडई की है। इससे पहले मेरे जो मेरी जॉब थी वो हमारे सर हुंडई मारुति में थी। ग्रैंडेरा हमारे सामने रेडी हुई, ब्रीजा हमारे सामने रेडी हुई, फ्रॉम्स हमारे सामने रेडी हुई, बलिनो हमारे सामने रेडी हुई और काम हुआ सेम 100% अपना बेस्ट तरीके से। इस गाड़ी का फिट फिनिश एकदम सुपर क्लास, सेट के नीचे प्रॉपर पूरी गाड़ी खड़ी होती है, कोई रोड साइड वाला सिस्टम नहीं है, कहीं पे आपके दरवाजे खराब नहीं हो रहे। ये यहाँ पर लोकेशन दी हुई है, इस तरीके से प्रॉपर ये गाड़ी का डोर खुला हुआ है। हमारे पास एक कल गाड़ी आएगी, उसके बाद 17 तारीख को भी एक झांसी से मेरे पास गाड़ी आनी है, जिसके अंदर हमने अपना 100% देना है गाड़ी के अंदर। सुबह आएगी, शाम को वापस आएगी, सारी चीजें उनकी प्लान है क्या क्या उसके अंदर लगाना है, इन कस्टमर का भी सारी चीजें प्लान थी। ये जो डोर्स हैं ये प्रॉपर इसके अंदर लेदर है, प्रॉपर फिक्स होता है, हर एक चीज एकदम प्लग एंड प्ले तरीके से की जाती है भाई। एक ही चीज की रिक्वेस्ट है आपको आने कार्लेबास में, कार्लेबास का जो मेरा एड्रेस है ये दिल्ली गरमपुरा का है, मोती नगर कीर्ति नगर मेट्रो मेरे बहुत पास में है। नीचे लिखिए मोबाइल नंबर मेरे 9811632352, 9909063252। गाड़ी को लेकर आना, प्यार पूरा देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे भाई तब तक आपको कुछ नहीं पता चलेगा मेरी गाड़ी के लिए। सो एक ही चीज की रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मैं करता हूँ यहीं पर वीडियो को एंड। थैंक यू।